हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूट्यूब चैनल तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं अपने दूसरे या तीसरे या चौथे या पांचवें मेकअप प्रोडक्ट्स का। इससे पहले मैंने नायका वंडरलस्ट का रोज क्रीम का रिव्यू दिया था और बेयर बॉडी बम क्रीम वाला रिव्यू दिया था, और इस एक मैंने इससे पहले मैक के मिरर आई जेल मॉइस्चराइजर का वीडियो बनाया था जो कि मैंने अभी अपलोड नहीं किया, मैं कर दूँगी। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट मेकअप प्रोडक्ट। तो ये आता है आई शेडो पैलेट। आई शेडो पैलेट मुझे तो पहले बिल्कुल नहीं पता था, होते हैं फिर पता चला, तो मैंने खोजा, फिर नायका पे गई, फिर यहाँ सेल चल रहा था तब मैंने, और मुझे ग्लिटर वाला आईशैडो पैलेट बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने नायका से सेल में ये मर्करी रेट्रोग्रेड हुडा ब्यूटी का मर्करी रेट्रोग्रेड आईशैडो पैलेट लिया है। तो ये देख सकते हैं कि यहीं पाक लिए, ये एक मतलब इसमें आता है, ये नायका के डिब्बा में ही आया था, लेकिन इसके ऊपर एक प्लास्टिक या कुछ का बना रहता है, वो भी पूरा इसी तरह का स्पार्कली पेस्टल कलर्स में होता है, उसमें भी बबल्स बने रहते हैं और इसी तरह की लड़की की आईज बनी रहती है, जिसी तरह कलर सेवन कलर्स को ये करती है। तो ये मैंने नायका के सेल में लिया है। तो इसका भी दाम 5375 पड़ता है, अगर ओरिजिनल प्राइस 5375 शायद इसका ओरिजिनल प्राइस यही है जो आपको हर जगह मिलेगी। खैर मैं तो मैंने नायका से ली है, तो मैंने सेल पे ली थी तो मुझे थोड़े कम दाम में मिली, लेकिन अब मैं वो बताऊंगी नहीं। तो ये रही, और यहाँ लिखा हुआ मर्करी रेट्रोग्रेड आई शैडो पैलेट, मतलब एक शायद इंग्लिश में है, एक शायद फ्रेंच या इटालियन किसी में भी होगी, या एक उर्दू या अरबी किसी में है, एक ही लिखा हुआ है। मतलब इसका मतलब आपको तो पता है हुडा ब्यूटी बहुत महंगे उसके प्रोडक्ट्स होते हैं, तो पैलेट भी क्यों नहीं होगा। तो मैंने जैसे कहा कि मुझे ग्लिटर वाले आईशैडो बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये लिया। और हुडा ब्यूटी में अभी फ़िलहाल एक न्यू पैलेट आया है रोज़ क्वार्टर, जिसमें पिंक कलर का है, मैंने ग्लिटर आईशैडो बहुत सारे हैं, तो मैं वो वाला परचेज करने का सोच रही हूँ, लेकिन फ़िलहाल उसमें सेल नहीं है। सेल नायका पे चल रही है लेकिन उस पैलेट पे नहीं, क्योंकि वो तुरंत न्यू आई है। तो अब हम इसे खोल के देखते हैं, भूतों के पास होगी। ये देख सकते हैं मेरे नाखून नेल्स थोड़े टूट गए हैं, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है खोलने में। ये देखिए आईना, और ये रहे आपके कलर्स, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये पिंक कलर है, ये पीच है, ये ग्लिटर नहीं है, ये बेस कलर है, नहीं ग्लिटर है, हल्का ग्लिटर है, बस बेस कलर है, ये हल्का ब्लू है, ये ग्लिटर है, ये पूरा ग्लिटर है, ये ग्रीन है, एमरल्ड ग्रीन है, और बेस कलर है ये, इसमें भी नहीं हल्का स्पार्कल, पूरा ग्लिटर नहीं है। ये भी कॉन्टोर कलर है, ये शायद हाँ सेम्पेनेज की कैम्पेनेज कौन सा कलर का था वो है, ये भी हल्का रोज़ गोल्ड कलर का है, ये ब्राउन हल्का पीच, ये पूरा वाइट कलर का ग्लिटर है, सिल्वर वाइट कलर का, ये ब्लैक आई शेडो, ब्राउन आई शेडो, गोल्डन ग्लिटर, ब्राउन आई शेडो, गोल्डन, और थोड़ा उससे ज़्यादा गोल्डन का ग्लिटर है, मतलब ये दो ग्लिटर हैं, एक ये पूरा गोल्डन है, एक ब्राउन गोल्डन है, ये ग्लिटर है। अब हम इसको अपने लिप दिखाते हैं, ये पिंक कलर,
से नहीं दिखता तो पिंक कलर, यानी इसका नाम क्या है, कॉस्मिक। पिंक कलर का नाम है कॉस्मिक, देख सकते हैं। दूसरा जो हल्का पीच कलर था, और ये हल्का पीच कलर है। तो ये मैंने कहा ना बेस कलर है, इसमें ग्लिटर आपको नहीं मिलेगा। और पीच कलर का नाम यूटोपिया है। तो अब हम देखेंगे ये हल्का, ये पर्पल कलर, तो ये ग्लिटर कलर है। तो अब हम देखेंगे ये, देख सकते हैं ये ग्लिटर कलर है। अब उसके बाद हम ये देखेंगे, ये कलर है, ग्लिटर का नाम है अल्ट्रा वायलेट। अब हम ये देखेंगे, उसके बाद हल्का ब्लू कलर का आता है, ये ग्लिटर कलर, इसका नाम है नेबुला। तो हम ये देखेंगे, नेबुला से मुझे कुछ याद आया। सो नेबुला हम यहाँ ऊपर डालेंगे थोड़ा, तो मतलब देख सकते हैं यहाँ पे कितना वाव आईना फ्लैश दे रहा है, कितना मस्त से, तो देख सकते हैं। तो अब हम उसके बाद हल्का कि मोरपंख कलर का मरकरी नाम है वो ग्लिटर देखेंगे। तो ये रहा, वाह ये कलर, ओह माय गॉड, बहुत ही स्पार्कल है। अब हम नेक्स्ट कलर देखेंगे, ये है, इसका नाम क्या है, सॉरी, इसका नाम है हेज। ये हल्का ब्लू कलर का है, ग्रीन एमराल्ड कलर, सॉरी ब्लू कलर थी, एमराल्ड कलर का है। अब हम ये देखेंगे, यहाँ पे हम डालते हैं हल्का ग्रीन कलर का है, उतना भी है, मतलब अगर हम इसमें इसका लाइट, सॉरी, हल्का एमराल्ड कलर का है तो दो तीन बार इसको स्वाइप करना पड़ेगा, बहुत ही हल्का ग्रीन है, तो आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसे मिटाऊंगी, तब हम दूसरे कलर्स देखेंगे दूसरे लाइन के। तो ये देख सकते पूरा हाथ ग्लिटर ग्लिटर लग रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये हल्का बेस कलर है। अब हम इसे देखेंगे, और इसका नाम है बैलेंस ऑफ बैलेंस, सॉरी ऑफ बैलेंस। तो ये हम यहाँ देखेंगे, ओ हल्का पिंक है, ये हल्का पिंक है, पिंक है, हल्का पिंक है, फिर उसमें हल्का ग्लिटर भी है। या फिर इसके बाद हम देखेंगे गोल्डन कलर, ये देखेंगे, और सॉरी लगता है ज़्यादा नहीं आया, ये हल्का लगता है शिमर है, ज़्यादा शिमर नहीं है इसमें। हाँ ये हल्का शिमरी है, ज़्यादा शिमर नहीं है इसमें गोल्डन में। इसका नाम है गैलेक्सी, सॉरी मेरी इंग्लिश ज़्यादा देने में चक्कर में। और उसके बाद हम देखेंगे, ये है लिब्रा, मेरा सनशाइन। तो ये पिंक है, पूरी प्योर पिंक। तो अब वो देखेंगे, तो ये देख सकते हैं बेबी पिंक है, पिंक लेकिन ज़्यादा बेबी पिंक ये लग रहा है, लेकिन पिंक है ये लिप। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट है क्रैश, ये हल्का ब्राउन है, ज़्यादा ब्राउन नहीं है। तो इस तरह से क्रैश इस तरह से है, देखेंगे ऊपर में डाल के। तो ये बेज कलर है आपके आईज के लिए, मतलब
क्या कहते हैं बेस कलर जो होता है आइस का, जो आपके आइस का मेन कलर है वही कलर है ये। तो ये थोड़ा बेस कलर हो गया, तो ये फिर अब हम दूसरे हाथ पे हैंड्स पे जाते हैं। अब है मोमेंटम, ये भी आपको जो है आपका ये कलर हो जाएगा बेस कलर, तो ये पीच कलर में देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है सुपर ब्लूम, सुपर मून सेलर मून की तरह सुपर मून है, सुपर मून है, ये भी ग्लिटर कलर है। तो सुपर मून ग्लिटर कलर, तो मतलब ये इतनी ग्लिटरी नहीं है कि आपको थोड़ा पास से आना होगा, अगर बहुत सारे ग्लिटर आपको हाथ में चाहिए तो आपको ऊपर से और से ग्लिटर, मतलब जो अलग से आई ग्लिटर आपने आपको यूज़ करने पड़ेंगे, उतना पूरा ग्लिटर नहीं है। तो नेक्स्ट आता है ब्लैक कलर, जिसको वायलेट एक्स कहते हैं, ये ब्लैक है जिसके आप ब्लैक नहीं पर्पल है, पर्पल और ब्लैक दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकता है। आप इसको कॉन्टोर या काजल के रूप में भी, आईलाइनर के रूप में भी लगा सकते हैं। पर्पल है सॉरी ब्लैक नहीं पर्पल है, ब्लैक यहाँ से लग रहा है लेकिन पर्पल है। नेक्स्ट है मरून कलर, हॉट मैस, ये मरून कलर है, इसे भी आप आईलाइनर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं या आई शेडो, डार्क आई शेडो, वो देख सकते हैं कितना पिगमेंटेड है। नेक्स्ट है गोल्ड पिंक, सुपरनोवा पिंक है सुपरनोवा। तो ये मरून रोज गोल्ड ग्लिटर देख सकते हैं, रोज गोल्ड है। अब नेक्स्ट जाते हैं तो ये ब्राउन कलर है, मतलब कर्मा ब्राउन कलर है। तो आप देख सकते हैं ये बेस कलर किस तरह इस्तेमाल हो सकता है, ये हल्का दिख रहा है और ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं, अच्छा ही है। पेस्टल कलर्स हैं, ज़्यादा डार्क नहीं है, वो भी बहुत अच्छा है, ये पूरा गोल्ड। तो अब हम यहाँ देखेंगे ये पूरा गोल्ड है। अब अंतिम पूरा गोल्ड का क्या नाम है, गोल्ड ग्लिच, इससे अभी जो मैंने ये किया इसका गोल्ड नाम गोल्ड ग्लिच। अब नेक्स्ट जो अंतिम शेड है इसका, सॉरी फेसल्ड, तो ये भी डार्क गोल्ड है, देख सकते हैं यहाँ करूँगी देख सकते। तो मेनली कुछ डार्क कलर्स हैं जो आपके आई शेडो को कंटूर या बेस कलर या आपको आईलाइनर की तरह या डार्क आई शेडो की तरह दो तीन कलर यूज कर सकते हैं, बाकी पेस्टल कलर्स में ग्लिटर कहिएगा तो बहुत ज़्यादा ग्लिटरी नहीं है, सटल ग्लिटरी है और पेस्टल कलर्स है जो कि बहुत अच्छा है। और अगर आपको और ग्लिटर चाहिए तो आप आई ग्लिटर अलग से ख़रीद सकते हैं और उसके ऊपर इस ग्लिटर के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा ही 3D इफेक्ट देगा तो और अच्छा लगेगा। खैर मुझे ये पैलेट बहुत अच्छा लगा और मतलब इसके कलर्स भी बहुत अच्छे हैं, क्रीमी है और छूने में बहुत बहुत वेल्वेटी है और इसका मिरर भी आपको लाइट देता है। तो मुझे ये पैलेट बहुत अच्छा लगा, इसीलिए ना महंगा भी है इसीलिए मैं बराबर तो नहीं ले पाऊँगी, लेकिन अगर मौका मिला तो मैं कितना ये भी प्रोडक्ट ज़रूर लूँगी और अगर दूसरे हुडा ब्यूटी के मुझे पैलेट मिले तो ज़रूर लूँगी और उसके हाइलाइटर भी। तो ये अप्रूव्ड आप ले सकते हैं अगर आपको पेस्टल कम सटलीटर वाले ऐसे आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, अगर आप मतलब अगर ख़रीदना चाहते हैं तो जबकि जरूर रिकमेंड करूँगी ये।
पीटी कमर ग्री आई शैडो पैलेट। तो इस तरह ये आईज है तो आप ले सकते हैं, मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी क्योंकि मैंने भी बहुत समय के बाद लिया था। तो ये वो डीलर जितना रुपया लगा है उसके हिसाब से तो हुआ थे, लेकिन इससे अगर 5,000 का कम है तो मतलब इससे थोड़ा बड़ा पैलेट होना चाहिए और इतने छोटे छोटे मतलब बॉक्स के बाद थोड़े बड़े बॉक्स होने चाहिए और थोड़ा मतलब एक तो ग्लिटर यानी ज़्यादा ग्लिटरी होना चाहिए वैसा ही उस हिसाब से नहीं, लेकिन बहुत अच्छा है। तो पक्का मैं आपको ज़रूर ये रिकमेंड करूँगी। तो अगली बार आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ नए प्रोडक्ट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।